हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर तो आज हम ट्वेंटी फोर्थ सेप्टेबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे कल जैसा आपने अपना एंगेजमेंट दिखाया वैसे ही आप आगे भी दिखाइएगा और न्यूज़पेपर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको नहीं भी पसंद आता तो आप डिसलाइक कर सकते हैं और कॉमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्या चेंजेस चाहिए आपको इस चैनल पर आगे आने वाले दिनों में और भी कोर्सेज मिल जाएंगे तो आप पहले अपना प्रॉलम्स दे लीजिए उसके बाद मैं और भी कोर्सेज लॉन्च कर दूँगी पॉलिटी की इकोनॉमी के तो आज हम न्यूज़ पेपर अनालिस अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट सेज़ विल सेट अप ओन एक्सपर्ट पैनल टू लुक इनटू टू चार्जेस तो आपको पता होगा जो पैगासा सॉफ्टवेयर है वो इजरायली फॉर्म एन द्वारा बनाया गया था और पहले एक रिपोर्ट आई थी कि इस सॉफ्टवेयर के द्वारा जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियंस को टारगेट किया जा रहा है तो उस लिस्ट में इंडिया के कुछ जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियंस भी थे जिनको टारगेट किया गया था अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने तो डेनाई कर दिया नहीं हमने ऐसा कुछ अनऑथोराइज सर्विलांस नहीं कराया है इस एन के पैगास सॉफ्टवेयर के द्वारा उसके बाद सेंटर ने यह भी बोला था कि हम एक कमिटी बना लेंगे इसको देखने के लिए क्या सच में ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है इन सबके बीच में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला अब कमेटी हम बनाएंगे जो सेंटर है वो कमेटी नहीं बनाएगा अब कमेटी हमारे अंतर्गत बनेगी तो दो तो सुप्रीम कोर्ट थर्सडे सेट इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटिंग अ कमेटी ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट्स टू लुक इनटू टू एलिगेशन ऑफ अनऑथोराइज सर्वलांस तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला अब हम कमेटी बनाएंगे टेक्निकल एक्सपर्ट्स की जो कि देखेगी कि कहीं अनऑथोज सर्विलांस तो नहीं कराया गया बाय द गवर्नमेंट अब ये सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि सेंटर ने पहले ये बोला था कि वो एक कमेटी बनाने वाले हैं तो, तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इज सिग्निफिकेंट गिवन दैट द गवर्नमेंट हैड अर्ज इट टू इट फॉर्म अ कमेटी जब गवर्नमेंट ने उनसे अर्ज किया तो सुप्रीम कोर्ट से कि हम कमेटी बना रहे लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोले नहीं आप रहने दीजिए हम कमेटी बनाएंगे तो वी विल बी एबल टू फाइनलाइज द मेंबर्स ऑफ द टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी तो यहाँ पर सीजीआई ने बोला कि नेक्स्ट वीक तक आपको पता चल जाएंगे कि कमेटी के कौन कौन से मेंबर्स होने वाले हैं सेंटर ने डिनाई किया है कि उन्होंने इलीगल सर्वेलांस नहीं कराया है तो इट हैड टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट नेवर थेलेस थे थे विद अ तो व्यू टू डिस्पेल एनी रॉन्ग नरेटिव स्प्रेड लेकिन हमने कोई सर्वेलांस नहीं कराया लेकिन एक नेरेटिव बिल्ट हो गया है कि हमने अनऑथोराइज सर्वेलांस कराया है तो उसके लिए हम क्या करेंगे एक हम कमेटी बना देंगे और कमेटी फिर बता देगी कि हमने नहीं कराया सर्वेलांस लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला अब कमेटी आपके

कि ऐसे एफडेफिट पब्लिक एफिडेफिट ना सबमिट कराया जाए क्योंकि यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी का मैटर आ जाता है अब नेक्स्ट डे गवर्नमेंट टू तो सुप्रीम कोर्ट नो कास्ट सेंसस कॉन्शियस पॉलिसी डिसीजन अब बहुत दिनों से एक डिबेट चल रही थी कि ओबीसी का भी डेटा इस बार इंक्लूड किया जाए तो कास्ट सेंसस किया जाए लेकिन इस कास्ट सेंसस वाली बात को रिजेक्ट कर दिया गया है और यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड बताया है कि नाइनटीन के बाद से आज तक कोई भी कास्ट सेंसस नहीं हुआ तो बेसिकली एस सी का रिकॉर्ड तो लिया जाता है लेकिन ओ का रिकॉर्ड नहीं लिया जाता है The census has been given up as a matter of policy from nineteen fifty one on words and this cast. अदर देन एस सीज एंड एस टीज़ हैव नॉट बीन एन्यूमरेटेड इन एनी ऑफ देंसस सिंस नाइनटीन फिफ्टी वन टिल टूडे तो नाइनटीन फिफ्टी वन के बाद आज तक जो भी सेंसस हुआ उसमें कहीं भी ओ बी सी का जिक्र नहीं किया गया सिर्फ एस सी एस टी की बात होती है एस सी एस टी का डेटा रिकॉर्ड किया जाता है अब ऐसा ऐसी क्यों पॉलिसी बनाई गई है कि ओ बी सी का डेटा नहीं लिया जाएगा तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपने एफडेफेट में बोला है कि नाइन्टीन फिफ्टी वन सेंसस जो कि इंडिपेंडेंस के बाद का पहला सेंसस था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था कि हम ऑफिशियल डिस डिस्करेजमेंट करेंगे कास्ट की कि लोगों के अंदर एक कास्ट वाली भावना ना हो तो उस पॉलिसी इसलिए ऐसी पॉलिसी बनाई गई थी कि जो कास्ट है उसको डिस्करेज किया जा सके तो इट वाज डिसाइडेड दैट इन जनरल इसलिए हम कोई भी रेस कास्ट ट्राइब इंक्वायरीज नहीं करेंगे सेंसस करते वक्त लेकिन उसके बाद भी हम एस सी का डेटा इसीलिए लेते हैं क्योंकि आर्टिकल थ्री और थ्री फोर्टी टू की बात करता है उनके वेलफेयर की बात करता है इस कारण हम एस सी का डेटा इसमें इंक्लूड करते हैं तो इट वॉज डिसाइडेड दैट इन जनरल नो रेस कास्ट ट्राइब इंक्वायरी शुड भी

सीई ओ से भी मिले तो वहाँ पर क्या बातें हुई वो थोड़ी अलग हैं तो वो हम देख लेते हैं तो सबसे पहले थर्सडे को प्राइम मिनिस्टर मोदी बिगेन इज यू एस विजिट विद अ सीरीज ऑफ मीटिंग विद टॉप एग्जीक्यूटिव तो बहुत सारी कंपनीज के एग्जीक्यूट्स से वो मिले जैसे कि कॉलकॉम अडोव फर्स्ट सोलर जनरल अटोमिक्स एंड ब्लैक स्टोन तो यहाँ पर जो कॉलकॉम के सीईओ हैं वो इंडिया में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो यहाँ पर एमोन ये जो है ये कॉलकॉम के ही सीईओ उन्होंने इंटरेस्ट जताया है कि वो इंडिया के साथ से कंडक्टर्स की फील्ड में पार्टनरशिप करना चाहते हैं साथ ही जो डिज, डिज, डिजिटल इंडिया का इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है डिजिटल इंडिया वो उसमें भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो कंपनी के सीई ओज है काफ़ी इंटरेस्टेड है इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए इसके अलावा तो फर्स्ट सोलर के सीईओ उन्होंने बोला जो इंडिया ने अपना टारगेट सेट कर रखा है कि 450 फिफ्टी गीगा वॉट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे रेनेवेबल सोर्सेज से तो इंडिया में वो इसके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ सकता है आगे हम चलते हैं यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है यहाँ पर स्टबल बर्निंग का मैटर लिया जा रहा है क्योंकि अब विंटर्स आने वाले हैं तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है और स्टबल बर्निंग भी उसका मेन कॉज होता है जो दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता है तो उसके लिए क्या पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है तो सबसे पहली बात बोलिए जो व्हीकल्स हैं उनको सी एन जी व्हीकल से रिप्लेस कर दिया जाए इसके अलावा जो पूसा डी डीकम्पो पूसा डी डिकम्पोजर का यूज़ किया जाए जिसमें वो जैगरी और वो कैप्सूल्स हैं फंगाई बेस्ड कैप्सूल्स उनको डाल दिया जाए ताकि जो स्टेबल है वो सॉफ्ट हो जाए और स्टेबल के सॉफ्ट होने के बाद वो अपने आप ही मिट्टी में मिल जाएगा एक वो किया जा सकता है ई व्हीकल पॉलिसी लेकर आई जा सकती है ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी लेकर आई जाती आई जा सकती है फॉरेस्टेशन किया जाए साथ ही जो भी स्टबल है उसका इन सीटू मैनेजमेंट किया जाए बायो बायोडिकम्पोजिशन किया जाए थर्मल पावर प्लांट्स में जो पेडी स्ट्रॉ है उनको को फायर किया जा सकता है साथ में ये मैंने आपको न्यूज़ पढ़ाई भी थी तो ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं फॉर्डर की तरह यूज़ किया जा सकता है आगे हम चलते हैं यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है अब यहाँ पर सुप्रीम uh, कोर्ट ने, ने पहले गवर्नमेंट से बोला था कि आपने जैसे सुसाइड इन सबको बोल दिया है कि नहीं इसको कोविड डेथ नहीं माना जाएगा कि फॉर एग्जांपल किसी को कोविड नाइन्टीन टेस्ट हुआ और उस ने कुछ टाइम के बाद सुसाइड कर लिया तो पहले गवर्नमेंट ने बोला था हम इसको कोविड नाइन्टीन डेथ नहीं मानेंगे लेकिन अब गवर्नमेंट ने बोला है कि कोविड नाइन्टीन अगर टेस्ट हुआ उसके तीस दिन के अंदर अंदर किसी ने सुसाइड किया है तो उससे उसको भी कोविड नाइन्टीन के द्वारा ही डेथ मानी जाएगी और उसके भी किन को पचास हज़ार रुपये दिए जाएंगे तो द सेंटर ऑन थर्स डे इन्फॉर्म द सुप्रीम कोर्ट दैट इट इज डिसाइडेड टू इंक्लूड डेथ बाई सुसाइड्स हैपनिंग विद इन थर्टी डेज ऑफ अ पर्सन टेस्टिंग कोविड नाइनटीन पॉजिटिव ठीक है तो अब ये कल मैंने आपको बाकी सब बता दिया था कि जो ग्रेशिया होगा वो कैसे दिया जाएगा स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से दिया जाएगा तो ये सारी हैं। आगे हम चलते हैं अब यहां पर एम के वन ए टैंक्स के बारे में गवर्नमेंट तो ने इसका ऑर्डर प्लेस कर दिया है तो अभी कैसे अलग है पुराने वाले टैंक से तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इन टैंक्स को बनाया है डीआरडीओ ने ठीक है और यह डीआरडीओ की कौन सी फैक्ट्री में मैनुफैक्चर हुए तो हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री जो कि चेन्नई में है जो ये स्टेट ऑफ द आर्ट मेन बैटल टैंक है ये न्यू वेरिएंट है अर्जुन टैंक का तो अर्जुन टैंक जो है बेसिकली अभी इंडक्ट है आर्मी में तो अब इनका एक न्यू वेरिएंट आ गया है इसकी मोबिलिटी ज़्यादा है सर्वाइवेबिलिटी ज़्यादा है दिन दिन रात कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं और इसमें बहत्तर नए फीचर्स हैं एज कम्पेयर टू द जो प्रीवियस उसका था तो इट कैन टेक ऑन द एनिमी ड्यूरिंग डे एंड नाइट तो मैंने बताया डे और नाइट कंडीशन दोनों में काम कर सकते हैं स्टैटिक और डायनेमिक मोड्स हैं और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ अगर पुराने वाले से कंपेयर किया जाए तो पुराना वाला जो अर्जुन मेन बैटल टैंक्स था तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स है और इसको डी ने बनाया है आगे हम चलते हैं यहाँ पर इंडिया ने रेसिप्रोकल टूरिज्म की बात की है तो इंडिया ने बोला है कि अब टूरिज्म सेक्टर को वापस से रिवाइव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि कोविड नाइन्टीन के टाइम सबसे ज़्यादा जो सेक्टर हिट हुआ था वो टूरिज़्म ही था और इंडिया ने यहाँ पर बेसिकली इस बात पर इम्फेसाइज़ किया कि म्यूचुअल रिकॉग्निशन होना चाहिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स का जैसे कि यूके ने हमारा जो कोविशील्ड का वैक्सीन सर्टिफिकेट है उसको रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया तो प्राइम मिनिस्टर ने इस बात पर इम्फेसाइज़ किया कि म्यूचुअल रिकॉग्निशन होना चाहिए अब इंडिया ने टूरिज्म सेक्टर को रिवाइव करने के लिए एक पॉलिसी लेकर आए तो वो हम देख लेते हैं तो इसमें बेसिकली ये बात बोली गई है कि फ्री वीज़ा दिया जाएगा ऑन अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर बेसिस तो लगभग पाँच लाख फॉरेन टूरिस्ट को फ्री वीजा दिया जाएगा इससे गवर्नमेंट को लगभग सौ करोड़ रुपए लगेंगे गवर्नमेंट के इसमें लेकिन इससे जो टूरिज्म आएगा उससे ज़्यादा फायदा होगा तो ये जो भी सौ करोड़ है वो कॉम्पनसेट हो जाएगा हम आगे चलते हैं यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है ये हम देख लेते हैं यहाँ पर है विल सेव गोवा फेनी अभी फेनी क्या है तो ये गोवा की लिकर है ठीक है अब जो फेनी है वो बहुत तरीके से बनती है तो कैश्यू फेनी जो है वो जी आई टैक्ट है लेकिन उसके अलावा जो कोकोनट की फेनी है वो जी आई टैक्ट नहीं है तो अकॉर्डिंग टू द एसोसिएशन एसोसिए आर ट्वेंटी ऑफ फेनी जिसमें सिर्फ कैश्यू फेनी है वही जी आई टैक्ट है तो यहां पर बोला गया जो फेनी का प्रोडक्शन बढ़ाना है और जो इंडिया का लिकर है उसे वर्ड वर्ड ट्रेड तक लेकर जाना है जैसे कि टकीला वोट का ये सब तो बहुत ज्यादा फेमस है लेकिन जो हमारी गोवा की फेनी है वो बिल्कुल फेमस नहीं है तो उसे फेमस बनाना है तो ये भी मेक इन इंडिया का एक प्रोजेक्ट होना चाहिए तो फेनी इज ऑल अबाउट स्वदेशी इट्स ऑल अबाउट आत्मनिर्भर इट्स अबाउट मेक इन इंडिया तो यहाँ पर जैसे जैसे मैक्सिको की टकीला है वो अपनी उनकी कंट्री लिकर है वो उसको प्राउडली फ्लॉन्ट करते लेकिन इंडिया में क्या है जो इंडिया की चीज़ होती है लोग उसको लुकडाउन करते नहीं ये तो हमारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती तो ऐसा नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर जैसे बात बोली गई है जो कैश्यू है अब कैश्यू फेनी तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं क्योंकि कैश्यू के प्रोडक्शन के लिए कोई भी फर्टाइल लैंड की जरूरत होती ही नहीं है तो आप कैश्यू का प्रोडक्शन कर सकते हैं साथ ही फेनी बहुत ज्यादा मात्रा में बना सकते हैं एक्सपोर्ट कर सकते हैं आगे हम चलते हैं अब यहाँ पर बेसिकली ये जो नीट के एग्जाम है नीट के एग्जाम की वजह से तमिलनाडु में जो सुसाइड्स होते हैं और यहाँ पे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम ट्वेल्थ के मार्क्स के बेसिस पे बच्चों को मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन देंगे और यहाँ पर हम नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो सबसे पहले ऑलरेड ने बोला इसकी जो प्रॉब्लम है ये नीट एग्जाम से सुसाइड्स हो रहे हैं इसकी प्रॉब्लम ना ही एजुकेशनल है ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव इसकी प्रॉब्लम है सोशल जो बच्चे होते हैं उनको बचपन से जब वो पैदा हो जाते हैं उसको दो तीन साल के बाद से उन्हें बता दिया जाता है तुम्हें डॉक्टर बनना है इंजीनियर बनना अगर तुम ये दोनों चीज़ें नहीं बनते हो तो तुम फेलियर हो ठीक है तो ग्रेटेस्ट स्ट्रेस इज यूजली जनरेटेड बाई पेरेंट्स इन द फैमिली अब यहाँ पर जो स्ट्रेस आता है वो सिर्फ सोसाइटी की वजह से नहीं आता वो पेरेंट्स के द्वारा भी प्रेशर आता है कि एक सिबलिंग को दूसरे सिबलिंग के अगेंस्ट बोलते नहीं इसकी तो फर्स्ट रैंक आगे तुम्हारी नहीं आ रही है इसके अलावा पीयर प्रेशर आने लगता है उसके बाद तो यहाँ पर ऑथर ने बोला है ठीक है आप जो मिडिल बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं वो फिर भी कोचिंग कर लेते हैं लेकिन उसके बाद जो एस्पिरेशनल एकदम डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ होती हैं डिसडवाटेज बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं वो इन कोचिंग में एडमिशन ले नहीं पाते हैं वो अगर कोचिंग में एडमिशन ले नहीं पाते तो एक डेफिसिट क्रिएट हो जाता है क्योंकि जो एग्ज़ाम का लेवल होता है और जो स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसके लेवल में एक डेफिसिट होता है तो उस डेफिसिट को जो भरता है वो भरते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स फॉर एग्जांपल जो कोटमिक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या पैंडेमिक में ऑनलाइन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आ गए वो उस गैप को फुलफिल करते हैं लेकिन जो डिसएडवांटेज कम्युनिटी से बच्चे आते हैं डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं वो कोचिंग एफोर्ड नहीं कर पाते और इसकी वजह से क्या होता है कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूट जाता है और वे ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन ले ही नहीं पाते हैं तो जो अब नीट के द्वारा जो मेडिकल कॉलेज होते हैं उसमें सिर्फ हाई बैकग्राउंड के बच्चे ही आ पा रहे हैं जिनके माँ बाप जो हैं उनको कोचिंग एफोर्ड करा पा रहे हैं तो द डिफिशेंसीज इन स्कूलिंग मे नॉट ऑलवेज भी एब्सोल्यूट बट सिंपली इन टर्म्स ऑफ द पिकुलर डिमांड्स ऑफ एंट्रेंस टेस्ट तो यहाँ पर ये यह जो गैप है वो एक्सप्लॉयट किया जाता है बाय द कोचिंग इंडस्ट्री अब ऑथर ने बोला या तो फिर आप ये उम्मीद करो जो जो बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं वो उम्मीद ही छोड़ दें कि वो मेडिकल कॉलेजेस में जाएँ तो काफ़ी अनरियल है तो इट इज़ बहुत अनरियल एंड अनफेयर टू एक्सपेक्ट दैट द लेस फॉर्चुनेट विल इन दिस डे एंड एज नो दे प्लेस तो आप ये बोलो कि जो डिसएडवांटेज कम्युनिटी के बच्चे हैं वो ये खुद सोच लें कि उनका प्लेस कहाँ पर है और वो सरेंडर कर दें कि वो सोच लें कि हमें किसी नीट का एग्जाम नहीं देना हमें मेडिकल कॉलेजेस में नहीं जाना तो ये बहुत ही अनसर्टेन बात है तो ऐसा नहीं करवाया जा सकता तो यहाँ पर स्टेट का इंपॉर्टेंट रोल आता है यहाँ पर स्टेट को कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहिए और वो बच्चा जो डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से है उसको भी आप कैसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देने के लिए आप एक रोल प्ले करते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सब सबसे पहले स्टेट ने कहा है यहाँ पर जो सेंट्रलाइजेशन हो गया है कि सारे मेडिकल कॉलेज में जो एडमिशन होगा वो नीट के थ्रू होगा तो ये गलत है यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए अगर बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं तो बच्चों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं तो मल्टीपल एग्जाम्स कम विद मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ और इसका स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर क्या होता होता है है जो सिलेबस डिज़ाइन वो स्टेट लेवल के अकॉर्डिंग होता है फॉर एग्जांपल तमिलनाडु के लेवल पे कोई एग्जाम होगा स्टेट लेवल एग्जाम होगा तो वो तमिलनाडु के स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग वहां पर सिलेबस डिज़ाइन होगा तो जो डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं तो उनके ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो उन कॉलेज में एडमिशन ले पाएं तो यहाँ पर मल्टीपल एग्जाम्स की बात की गई है तो जो सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया है नीट के द्वारा वैसा नहीं होना चाहिए तो बट इक्वली मल्टीपल टेस्ट ऑफर मल्टीपल चांसेस एंड सम टेस्ट हेल्ड एट द स्टेट लेवल और गियर टू द करिकुलर ऑफ स्टेट बोर्ड गेचिंग टू मोस्ट अंडर प्रिवलेज चिल्ड्रन तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है, तो एक सल्यूशन ये हो सकता है दूसरी बात ये की गई है ऑथर ने बोला आप इतने सारे प्राइवेट कॉलेजेस लेकर आ गए हो तो प्राइवेट कॉलेजेस की वजह से क्या होता है प्राइवेट कॉलेजेस की फीस बहुत ज़्यादा होती है तो उसको भी वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं जो कि हाई इनकम बैकग्राउंड से आते हैं तो मोर फंडामेंटली द एंटायर सिस्टम इवन द स्टेट सेक्टर इज इंक्रीजिंगली गेयर टू डिमांड्स दैट एलिनेट तो उस प्राइवेट सेक्टर की वजह से क्या हुआ जो बच्चे हैं वो एलिनेट होते चले जा रहे हैं और एक अंडर प्रिवलेज स्टूडेंट का अलग बैकग्राउंड क्रिएट हो गया है तो वी आर एक्सेप्टिंग विदाउट डिबेट दैट मोर एंड मोर इंस्टीट्यूशन विल ऑपरेट एट अ सब ऑप्टिमल लेवल इफ दे कांट मीट सम प्री सेट स्टिपुलेन्स डेट अ मैनेजरियल फाइनेंशियल एंड सोशल रादर दें अकेडमिक इन नेचर तो वी आर इंड्यूसिंग काउंटलेस यंग सिटीजन टू ड्रीम ड्रीम्स अब यहाँ पर हम बच्चों को ड्रीम करना तो सिखा देते हैं ठीक है आप नीट का एग्जाम दोगे तो आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे लेकिन उनको मीन्स तो नहीं प्रोवाइड करा रहे ना ताकि वो उस ड्रीम को रियलाइज कर सकें तो मीन्स हमें उनको प्रोवाइड करानी चाहिए क्योंकि मीन्स प्रैक्टिकेबल हैं और स्टेट्स जो है वो प्रोवाइड करा सकता है उन मीन्स को अब इस नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इसमें ऑथर ने सबसे पहले ये बात बोली है जो यूएसए के पास न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी है वो ऑस्ट्रेलिया को तो दे रहे हैं पर उन्होंने इंडिया को आज तक क्यों नहीं दी और इंडिया हमेशा से कोशिश कर रहा था कि वो न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी हमें मिल जाए तो सबसे पहले ऑथर ने बोला जो ए, इंडिया है उसकी इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ है बारह लाख पचास हज़ार और अगर चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी उसकी स्ट्रेंथ देखो तो वो है नौ लाख पिछहत्तर हज़ार उसके बाद भी जो हमारे आर्मी सोल्जर्स हैं वो उनकी तरह केपेबल क्यों नहीं है तो सबसे पहले ऑथर ने बोला जो आर्मी है उसके लिए जो, जो जोग्राफ़ी है वो हमारी बहुत अगेंस्ट हो जाती है क्योंकि चाइना की लेटरल कनेक्टिविटी है मल्ला उसको लेकर तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन हो सकता है चाइना को काउंटर करने के लिए वो हमारी नेवी तो उसके बाद भी हम नेवी को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं क्योंकि नेवी को सिर्फ डिफेंस बजट में से चौदह परसेंट एलोकेट होता है तो स्टंट द नेगलेक्ट ऑफ बीइंग अलॉटेड जस्ट फोर्टीन परसेंट ऑफ द डिफेंस बजट तो यहाँ पर हमें नेवी पर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो सबसे पहले ऑथर ने बोला हमें इसीलिए वो टेक्नोलॉजी नहीं मिली क्योंकि इंडिया जो है इंडिया हमेशा नॉन अलाइंड रहता है जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया उसने सामने से बोला कि हम चाइना को काउंटर करना चाहते हैं तो वहाँ पर उन्होंने चाइना को काउंटर करने की बात की इसीलिए उनको वो टेक्नोलॉजी मिल गई तो ऑथर ने बोला अब ये जमाना वो नहीं है कि अब नॉन अलाइन रहो क्योंकि वेन आर नेबर इज़ कॉम्पीटिंग विद द यू एस जब यू एस से हमारा जो चाइना नेबर है वो कॉम्पीट कर रहा है तो बेजिंग हैज आर्म द पाकिस्तान नेवी अब जो बेजिंग है उन्होंने पाकिस्तान नेवी को आम कर दिया एयर फोर्स को भी और ज़्यादा आर्म कर दिया है अपने बेसिस बना रखे हैं गोडार में जबूती में इसके अलावा तालिबान को अफगानिस्तान में सपोर्ट कर रहा है इसके अलावा जो म्यांमार जनटा जहाँ पर म्यांमार ने क्या किया था कू कर दिया म्यांमार की जनता ने उसको भी सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर जो चाइना है लेकिन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं हम एकदम नॉन अलाइंड बने हुए हैं हम किसी के ग्रुप में नहीं जा रहे किसी के कैंप में नहीं जा रहे इसलिए कोई भी जो यूएसए भले ही हमारा मेजर डिफेंस पार्टनर है लेकिन वो भी हमें टेक्नोलॉजी देने से पहले सोचता है क्योंकि उसको पता है जो इंडिया है वो नॉन अलाइंड है आई होप आपको समझ आ गया अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यूनिकॉर्न स्टैम्पीड तो सबसे पहले ऑथर ने ये बोला है इंडिया में यूनिकॉर्न्स बढ़ रहे हैं तो वो क्यों बढ़ रहे हैं सबसे पहले ये बात पता चलती है वो इसीलिए बढ़ रहे हैं जो चाइना से यूनिकॉर्न है चाइना क्या कर रहा है अपने टेक्नोलॉजी सेक्टर पर क्रैकडाउन कर रहा है और उस टेक्नोलॉजी सेक्टर पर क्रैकडाउन करने की वजह से जो कैपिटल है वो इंडिया में आ रहा है तो फ्यूअर यूनिकॉर्न साइटिंग्स इन चाइना ऑर्डिनरली द बिगेस्ट यूनिकॉर्न हैबिटेट आउटसाइड द यूएस एस एंड द बिगनिंग्स ऑफ यूनिकॉर्न स्टैम्पीड इन इंडिया तो उसकी वजह से हमारे इंडिया में यूनिकॉर्न्स बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले चाइना क्या कर रहा है चाइना एकदम पूरी तरीके से तैयार है कि हमें अपना डायनेमिक सेक्टर जो है उस पर क्रैकडाउन करना ही है तो चाइना की टेक इंडस्ट्री जो कि थर्टी एट परसेंट कंट्री के जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है कोविड में उसने काफ़ी अच्छा काम किया इसीलिए हमें चाइना की जो जी है वो पॉजिटिव में दिखी लेकिन अब बेजिंग ने डिसाइड कर लिया है कि इस इंडस्ट्री पर तो क्रैकडाउन किया ही जाएगा और लगभग वन ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू उन्होंने चाइना से बाहर करवा दी तो क्रैकडाउन कैसे देखा सबसे पहले जो आठ ग्रुप की इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है उसको सस्पेंड कर दिया गया इसके अलावा इनकी एक और कंपनी है डी डी चक्शिंग इसको बोल दिया गया कि आप न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अपनी पब्लिक ऑफरिंग्स नहीं वो कर सकते हो लिस्ट कर सकते हो इसके अलावा जो गेमिंग सेक्टर है उस पर काफ़ी क्रैकडाउन किया गया है कि जैसे जैसे फ्राइडे और वीकेंड्स में आप डेढ़ घंटे के गेम खेल सकते हो वरना तीन घंटे का गेम खेल सकते हो छुट्टी वाले दिन तो यहाँ पर क्या कर रहा है जो चाइना वो क्रैकडाउन कर रहा है अपने टेक्नोलॉजी सेक्टर पर और इसका फायदा इंडिया को मिल रहा है कि ये सारी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही है तो चाइना में है फोर टाइम्स द नंबर ऑफ़ यूनिकॉन्स इन इंडिया तो चाइना में लगभग चार गुना यूनिकॉन्स हैं इंडिया के लेकिन उसके बाद भी इस साल इंडिया ने चाइना को आउटस्ट्रिप कर दिया है न्यूली मिंटेड यूनिकॉन्स में तो अच्छे ने बोला ये सारी चीज़ें देखने में बहुत अच्छी लग रही कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रहा है लेकिन ऑस्ट्री ने बोला इसने एक डर की बात भी है कि डर की बात यह है कि यहाँ पर एक बबल क्रिएट हो, हो रहा है वो बबल ऐसे क्रिएट हो रहा है व्हेन इन्वेस्टर्स रश इन टू सी रेफ्यूज यहाँ पर सिर्फ रिस्क से बचने के लिए यहाँ पर कैपिटल आ रहा है तो इन्वेस्टर्स सिर्फ इंडिया में इसीलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो रिस्क से बचना चाहते हैं तो इवन इफ इव द रिफ्यूज लुक्स प्रॉमिसिंग दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट व सेल्फ री इन्फोर्सिंग साइकिल तो जैसे बेसिकली क्या होता है स्टॉक मार्केट में बबल बन जाता है कि किसी कंपनी के शेयर्स सिर्फ लोग खरीदते जाते हैं उसकी डिमांड बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है तो उसकी हमें दिखता है कि वो बहुत ज़्यादा शेयर्स जा रहे हैं लेकिन वो जब एक बार बबल फूटता है तो क्या होता है कि शेयर्स एकदम नीचे चले जाते हैं तो वैसा ही हो रहा है हमारे टेक सेक्टर के साथ So, to to तो द कास्ट कार्डिंग ट्रांसर्स ऑफ मनी ओवर कैपिटलाइज स्टार्टअप्स बाई गिविंग मोर मनी देन वाट्स नीडेड टू गेट टू नेसेसरी माइल स्टोन्स तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये इतना ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट कर दे रहे हैं कि जो स्टार्टअप्स है वो ओवर वैल्यू हो जा रहे हैं उनकी उतनी वैल्यू नहीं है जिनकी जितनी उनकी वैल्यूशन रखी जा रही है तो यहाँ पर जो स्टार्टअप्स इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत ज़रूरी है पहली बात ये वो देख रहे हैं जो स्टार्टअप में वो इन्वेस्ट करें क्या उसकी इतनी कैपेसिटी है कि वो नीड्स को फुलफिल कर सकता है अगर है तभी वो उसमें इन्वेस्ट करें क्योंकि इंडिया का आईपीओ भी उतना अच्छा नहीं सिर्फ आप एक जोमेटो के आईपीओ को देखकर यही नहीं बोल सकते कि इंडिया का आईपीओ पोटेंशियल बहुत ज्यादा अच्छा है तो हैज द इंडियन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स मार्केट रियली प्रूवन चल तो ऑथर ने बोला वो बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है कि यहां पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ रहा है लेकिन सिर्फ वो एक बार हमें रिस्क अवर्स करा रहे हैं कि इससे क्या क्या रिस्क आ सकते हैं तो इंडिया डेस्परेटली नीड्स पेशेंट कैपिटल स्किल टैलेंट एंड अप्रोप्रेट टेक्नोलॉजी तो इंडिया को कैपिटल की जरूरत है जो आ रहा है टैलेंट की जरूरत है और साथ ही टेक्नोलॉजी की जरूरत है तो उससे कंट्री की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है लेकिन द लास्ट थिंग इंडिया कैन एफोर्ड इज अ बबल दैट बस्ट एंड फॉर ऑल थ्री टू टेक फ्लाइट अगर जैसे ये बबल बस्ट हुआ तो हमारे यहाँ जो भी कैपिटल है वो सब चली जाएगी टेक्नोलॉजी चली जाएगी तो हमारे लिए बहुत नुकसान भरा हो जाएगा फिर से इकॉनॉमी को उससे निकालना अब यहाँ पर पोषण वाटिकास की बात की गई है तो सेप्टेम्बर महीने मनाया जाता है पोषण माह के रूप में तो यहाँ पर पोषण वाटिकास की बात की गई तो पोषण वाटिकास बेसिकली ये है कि जो भी बैकयार्ड है जो भी खाली जगह है वहां पर आप क्या करो न्यूट्री गार्डन्स बना दो वहाँ पर फ्रूट्स लगा दो वेजिटेबल्स लगा दो तो लोगों को ये पता चलेगा कि उनको अपनी जो डाइट है उसको डाइवर्सीफाई करना है तो न्यूच्री गार्डन्स डें रिप्रेजेंट एन एन ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस विच हैज़ द पोटेंशियल टू एड्रेस द मल्टीपल गोल्स ऑफ डायट डाइवर्सिटी तो यहाँ पर जो लोगों की डायट में डाइवर्सिटी आएगी लोग फ्रूट्स वेजिटेबल्स को कंज्यूम करेंगे तो सबसे पहले एक यहाँ का पायलट प्रोजेक्ट है तो पायलट प्रोजेक्ट में ये बोला गया गवर्नमेंट के द्वारा कि जो भी आंगनबाड़ी सेंटर्स से है वहाँ पे मोरिंगा को लगा देना चाहिए तो मोरिंगा जो है उसे सहजन और ड्रमेस्टिक के नाम से भी जाना जाता है नेटिव इंडियन प्लांट है और बीटा कैरोटीन आयरन रिच होता है वाइटामिन इसमें बहुत सारे होते हैं एंटी ऑक्सीडेंट एंटी बैक्टीरियल एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होती है तो ऐसे ही क्या किया जा सकता है ऐसे खाली जगहों में ऐसे प्लांटिंग की जा सकती है जिससे लोगों की डाइट्स जो है वो डाइवर्सिफाई हो सके अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है यहाँ पर बस आपको ये पता होना चाहिए राजा जी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है तो ये उत्तराखंड में ये हमारे लिए अगर इंडिया के मॉन आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी कुछ डिसीजन लेती तो इंपॉर्टेंट अब इसमें यूएस की क्या कर रही है फेडरल इंस्टेंस क्या है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं अकोमोडेटिव इंस्टेंस इन्होंने रखा है पर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हम ये नहीं देखेंगे अब डब्ल्यू एच ओने अब नए पॉल्यूशन नॉर्म्स किए हैं तो पोल्यूशन नॉर्म्स को और ज्यादा स्ट्रेंजेंट कर दिया जिसके तहत क्या हो रहा है जो पूरा इंडिया है इंटरलि वो पूरा इंडिया ही पल्यूटेड है तो ऑथर ने बोला हम कर क्या सकते हैं तो ऑथर ने बोला कोई फिक्स कुछ नहीं है कि आपने किया और पॉल्यूशन कम हो गया ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता तो हमें टैकल करने की ज़रूरत है अब कैसे टैकल किया जाए तो ऑथर ने बोला कुछ तो गवर्नमेंट की स्कीम्स ऐसी है जिसका बेनिफिट ये है कि उससे एयर क्वालिटी भी ठीक हो रही है जैसे कि स्वच्छ भारत नमामि गंगे इसके अलावा और भी रिवर लेक क्लीनिंग प्रोजेक्ट्स उज्ज्वला योजना उज्ज्वला योजना में लोगों को जो औरतें घर की उनको एलपीजी कनेक्शन दिए जा रहे हैं ताकि वो फायरवुड से कुकिंग ना करें तो इससे भी एयर पोल्यूशन ठीक हो रहा है उनकी हेल्थ इंप्रूव हो ही रही है साथ ही एयर पोल्यूशन जो एयर क्वालिटी वो भी अच्छी हो रही है तो इंडिया को इंडिया के अंदर और भी ऐसी चीजें हैं और भी ऐसे सेक्टर्स हैं जहां से हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं जैसे कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो कंस्ट्रक्शन साइट है कभी उसे कवर नहीं किया जाता

यहाँ पर वो डायरेक्टली सपोर्ट में आ गए ताइवान के अब जो चाइना वो कहता है नहीं ताइवान जो है वो चाइना का पार्ट है ताइवान बिल्कुल भी अलग नहीं दूसरी बात ऑस्ट्रेलिया के साथ उन्होंने न्यूक्लियर सबमरीन डील कर ली और तीसरी बात यूरोप ने अपनी एक स्ट्रैटी बना दी इंडो पैसिफिक की तो यहाँ पर चाइना को काउंटर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है अब चाइना ने इसके रिस्पांस में क्या किया चाइना ने फाइटर जेट्स ताइवान की तरफ छोड़ दिए और उन्होंने दिखाया नहीं ताइवान हमारा ही है तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं आगे हम चलते हैं यहाँ पर जो तालिबान ऑफिशियल्स हैं ये बिल्कुल भी सुधरने वाले नहीं है इन्होंने बोला है कि हम तो वैसे ही एग्जीक्यूशन करेंगे जैसे कि हम पहले करते थे तो वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द तालिबान है द चीफ एनफोर्स एनफोर्सर ऑफ इट्स हार्ट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक लॉ उन्होंने बोला इससे पहले जैसे कोई चोरी करता था उसके हाथ पैर काट देते थे तो हम वही करेंगे हम ऐसे फांसी भी दे देंगे लेकिन बस यही करेंगे कि अब से हम पब्लिकली नहीं करेंगे प्राइवेट में करेंगे पहले जब हमारा रूल हुआ करता था तब हम पब्लिकली करते थे तो पहले हम स्टेडियम में कर देते थे अब नहीं करेंगे अब हम प्राइवेट करेंगे अब जो लोग हैं वो उनको बोल रहे हैं कि आप ऐसा अपना जो जस्टिस सिस्टम है मत रखो आप रिफॉर्मेटिव रखो तो उनका कहना हम तो दूसरे के लो, दूसरे कंट्रीज़ के लॉस के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं तो दूसरों के पास भी इतनी नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे लॉस के बारे में कुछ बोलें तो एवरी वन क्रिटिसाइज जस्ट फॉर द पनिशमेंट्स इन द स्टेडियम बट वी हैव नेवर सेड एनीथिंग अबाउट देयर लॉस तो जब उन्होंने किसी कंट्री के लॉस के, के बारे में कुछ नहीं बोला तो किसी कंट्री का राइट भी नहीं है कि वो उनके लॉस के बारे में कुछ बोले तो ऐसी बेकार की बातें करते रहते हैं लोग हम आगे चलते हैं अब जो यूएस है वो अपने नए रूल्स लेकर आया उससे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को कट किया जाएगा तो यूएस एस प्रोटेक्शन एजेंसी शार्पली लिमिटिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन इन यूज ऑफ हाइड्रोफ्लोरो तो यहाँ पर हाइड्रोफ्लोरो के एमिशन को कट किया जाएगा जो हाइड्रोफ्लोरो है वो ग्लोबल वार्मिंग के मेजर ड्राइवर होते हैं यहाँ तक कि कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं तो यहाँ पर यूएस ने बोला है कि वो अपने हाइड्रोफ्लोरोबन्स दो हज़ार छत्तीस तक कट करेगा और फिफ्टीन ईयर्स में नेक्स्ट फिफ्टीन ईयर तक लगभग एटी फाइव परसेंट उसकी प्रोडक्शन कम कर देगा अब यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने बोला है ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है इसको हम कम कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हर फोन के अलग अलग टाइप के चार्जर होते हैं अगर एक इंसान के पास तीन गैजेट हो तो उसे तीन अलग अलग टाइप के चार्जर रखने पड़ते तो एक ही एक ऐसा सॉकेट होना चाहिए कि एक ही चार्जर से सब कुछ चार्ज हो जाए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कम किया जा सकता है तो द तो कमीशन सेट दैट टिपिकल पर्सन लिविंग इन द यू ओन्स एटलीस्ट थ्री चार्जर्स एंड यूज टू रेगुलरली तो एक ही चार्जर होगा तो अपने आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट थोड़ा तो कम हो जाएगा लेकिन एप्पल ने इस पॉलिसी को बिल्कुल अगेंस्ट बोला उन्होंने बोला नहीं हमारा चार्जर तो अलग ही होगा अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर जी सेक जी सेक रिटेल डायरेक्ट तो अब बेसिकली आर ने ये अलाउ कर दिया था कि जो अब लोग हैं रिटेल इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है जी सेक्स में पहले जी सेक्स में सिर्फ प्राइमरी डीलर्स और बैंक्स लोग ही इन्वेस्ट कर पाते थे लेकिन अब नॉर्मल इंडिविजुअल्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वो डायरेक्टली अकाउंट खुलवा सकते हैं तो फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द आर रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म्स फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट पार्टिसिपेंट्स अब यहाँ पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि आपको अपने के वाई नॉर्म्स थोड़े आसान करने पड़ेंगे क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा ऑपरेटबिलिटी नहीं हो पा रही है तो दे कैन ओपन एंड मेंटेन अ रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट विद द आर बी आई थ्रू अ पोर्टल तो अब कोई भी इंसान क्या कर सकता है वो अपना रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खुलवा सकता है आर बी आई में एक पोर्टल के द्वारा और जी सेक्स में इन्वेस्ट कर सकता है तो पहले तो जी सेक्स के जो अलॉट होते थे वो लगभग पाँच पाँच करोड़ के होते थे लेकिन जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो दस हज़ार का भी किया जा सकता है तो अब कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है जो प्रेजेंट स्कीम में आर बी आई के द्वारा अनाउंस की गई है कि एक अब रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट आर बी आई के साथ खुलवा लो इससे जो गवर्नमेंट उसको भी बोराइंग के लिए आसान होगा क्योंकि अब कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है आई होप आपको आज न्यूज़पेपर समझ आ गया और फिर लाइक द वीडियो दें प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू एंड वा ना ना डे